नौशीन जी, इजाजत है आपकी, मैं बोलूं आप आपसे? आप बोल ही रही, इजाजत क्यों ले रही हैं? हाउ डेयर यू, इतनी इंपल्सिव लड़की, इश्तियाल में आ जाने वाली, ये कसबल कैसे निकल गए, या कैसे उन्होंने अपने आप को इस लाइन से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, ये मुझे भी जानना है आपकी वसाकत से। एक्चुअली जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो वो मुझे नहीं पता, वो मेरे रब की जात है, होती चली गई। नहीं, मैंने मांगा अल्लाह से। अच्छा, मांगा? मैंने तो जिद की है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये बात ना किया करें, मैं कहती हूँ मैं क्यों ना करूँ। 3 साल पहले आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद माई लाइफ। मेरा जो दिल था वो सुकून में नहीं होता था, मुझे हर वक्त वो हैप हेजिटली, मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, कुछ वो भी नहीं, मल्टीटास्किंग इतनी ज्यादा या नजर कुछ प्रॉपर होता नहीं था, तो वो मुझे बेसुकूनी देता था। 1-2 रातें मेरी जिंदगी में ऐसी आई जब मैं सो ही नहीं पाई, मैं रोती रही और मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि बस मुझे किसी तरह से जानमाज तक ले जाए, बस उसका जानमाज तक ले जाना था और उससे आगे मेरा था। मुझे 3 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कजा हो जाती है नमाज, लेकिन मैं छोड़ती अदा जरूर हो जाती है। एब्सोल्युटली। अपनी फैमिली में ये बड़ी लाडली बच्ची रही हैं, तो वो जो डाइनिंग टेबल पे मार खाना काम इसलिए आ गया कि ये सही फील्ड में इनको रब ले आया, क्योंकि इसमें ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी जिंदगी में, और जो मुझे अच्छा इनके लिए रिवॉर्ड नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आनी चाहिए, मतलब मैरिज पर्पस के लिए, और इन्हीं में से कोई एक खूबसूरत चीज लॉक हो जाएगी ये साल। तो जावियार होगा ना इनका बेटा। हमारे कुछ 41 प्रोग्राम हो गए, 38 लड़कियां ब्याह चुकी हैं। Excuse me. अगले 6 महीने में देयर इज ओनली नहीं शादियां आने वाली। Excuse me. There is only one Nauseen Shah. अच्छा। There is no any other. नहीं, मैं तो इसलिए ये जावियार और मैं अच्छा। बहू बना लें अपनी। अच्छा। मैं कह चुकी हूँ आपको पहले भी, क्यों नहीं समझ आ रहा। इन्होंने देखे मेरे सर पे हाथ रखा, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई तुम तो मेरी बहू हो, अब तुम जानो जावियार जानो। ऐसा कुछ नहीं हो, बेचारा बहुत छोटा है। चलिए ये छोटे छोटे सवाल करते हैं, सो दैट वी कैन क्विकली रैप इट अप। कोई एक तब्दीली जो आप चाहती हो कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम में आ जाएगी? काश बर्दाश्त। काश बर्दाश्त, वेरी गुड। बर्दाश्त। कोई 3 टॉपिक जिन पर आप चाहती हो कि ड्रामा बनना चाहिए? एक मेंटल इलनेस, डिप्रेशन। यस, मैं वैसे चाहूंगी कि बहुत सारी जो बहुत बेहतरीन अदाकाराएं हैं उनको लेके कश्ती में रख के कहीं दूर ले जाएं। हाय क्यों? अच्छा। हाय ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा, मतलब कुछ फन चीजें बनाएं, कुछ जैसे ड्रामे बन रहे हैं। मुतमईन है? सबसे नहीं, सबसे नहीं, नहीं। फिल्म में कोई कर रही है काम? दो की है। यस, अच्छा लगा? हाँ कह सकते हैं। उनको अच्छा लगा जिनके साथ काम किया? कास्ट क्यों ना करते वरना? तो हमें तो बड़ी शिकायतें आई। आने दे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, नहीं पड़ता। साथी अदाकाराओं की कोई आदत जिससे आप तंग होती हो? नाम नहीं लूंगी, लेकिन 1-2 नई जो लड़कियां मैंने देखी हैं उनको बिल्कुल तमीज नहीं है कि अपने से सीनियर्स के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है। मेरा अगर बस चले तो मैं लिटरली उनको चमाट मार दूं। ओए होए। कभी ड्रामे के अलावा हकीकी जिंदगी में भी अदाकारी करनी पड़ी हो? आई थिंक हम करते हैं सारे। मैं अकेले बातें करती हूँ अपने आप से। पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है जी आपकी? लंदन एंड न्यूयॉर्क। हम 3 नाम लेते हैं, उनके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। बरकत उसमें हनी अलबेला। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है शट अप। आप ना फील कीजिएगा ये दोनों की। आपका शुमार नहीं होता इन दो इंटेलेक्चुअल्स। इन तीनों को क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? डॉक्टर आमर लियाकत साहब, अब बोले। मैं इनको ये मशवरा देना चाहूंगी कि प्लीज कंट्रोवर्सी से जितना हो सकता है दूर आ करें। बड़ी अच्छी बात है। यासिर हुसैन साहब, अच्छा आर्टिस्ट है, सुना है डायरेक्शन शुरू की है, तो उसको यही मशवरा दूंगी कि दिल से काम करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। और ताबिश साहब जो आजकल एक शो कर रहे हैं, कीप किलिंग इट ब्रो। अच्छा, यू आर लवली। थैंक यू वेरी मच। सरकार आपसे छोटे छोटे से सवाल करें, यादगार परफॉर्मेंस जो आपको भूल नहीं पाएगी? इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने एक मेरी यादगार परफॉर्मेंस थी। मुस्तफा कुरैशी साहब मेरे अब्बा के बहुत प्यारे, उन्होंने अनाउंसमेंट जब की तो मेरा दिल चाहा जो इन्होंने बयान किया वो मैं साबित कर। अरे वाह,
एक फुल मोतिये दा मार के जगह सोनी, अगर फुल कोई और हो जाए तो बात बन जाएगी। भाई मोतिया नहीं, अगर फुल ना हो तो फिर इट जरूरी। सर अगर आपके सामने कोई गलत सुर लगा रहा हो तो कैसा महसूस होता? वो अपने बलबूते पे लगा रहा है, मैं बर्दाश्त ही करूंगा। आजकल के सूफी सिंगर्स में आपका पसंदीदा सूफी सिंगर? आबिदा परवीन जो है वो, क्योंकि सोल को टच करती है, उनको जब सुने तो ऐसा लगता है एक नई दुनिया में चले। गले की हिफाजत के लिए सर कोई एक खाना जो आप नहीं खाते? जो सबसे मुझे ज्यादा पसंद है मटन पुलाव, वो मैं नहीं खा सकता। अच्छा। क्योंकि मेरी हाई पिच है गाने की, और वो कभी होया है उधर रिएक्शन सर? हाँ जी। अच्छा होया, फिर मैं ना सॉरी करके मैं कल गाऊंगा। कोई एक खाना जो सारी उम्र खाना पड़े तो वो क्या होगा सर आपके ख्याल में? अगर खाना पड़ता तो शायद मटन पुलाव ही खाता। आपकी लंबी छुट्टी हुआ करे तो खा लिया करें। एक दौर सी सर लाचा, तुसी ताड़ी एक पहचान सी लाचा कुर्ता सीनी है स्टिल? और एक एक वाकया ए भी है कि बाजी दे नाल तुसी गए होटल ते उन्होंने क्या के जी है लाचा अलाउड नहीं है? हां जी सर सुनाओ वाकया। असी असी ना दोवे पियो पुत्र ते असी दोवां ने मैं भी लाचा कुर्ता पाया। असी जदों गए ते हां सब खड़े सन खान भाई। अच्छा ओए आप अंदर नहीं जा सकते? मेरे अब्बू कहंदे क्यों भाई क्यों नहीं अंदर जा सकते? वो खुसा भी बड़ा कीमती पाया उस दौर दा सब तो कीमती खुसा। पियो पुत्र उन्होंने कहा अंदर आलम साहब मैं आपको जानता हूँ, तो अगर आपसे जाएंगे तो मेरी नौकरी का। असि उतो तो मैं पियो पुत्र गड्डी च वापस गए, अनारकली गए, सूट लिते, बूट पाए, फिर वापस आए। वापस आके फिर असि इंज करके उन्होंने वेखिया, फिर असि लंघ गए फिर अंदर गए। पहले से ना एक मंजिल चढ़ गए उत्ते ना पौड़ियां पौड़ियां दी। अब्बा जी कहते आरफी, मैं कहा जी अबू उतरे दी लिफ्ट है? मैं क्या आखो थले आ गए सारिया पौड़ियां लै लिफ्ट नु दबाया लिफ्ट आई ते हुण मैं सीरियस नाल खलोता कि की कर रहे अंदर चले गए सब उत्ते फिर वापस आ गए। इंज करके दबा के ना कहिंदा पुत्र पैसे लाए ने मजा ते पूरा ले गया। थैंक यू वेरी मच। मैं रियली मशकूर हूं कि आपने अपनी मुसीबत में से वक्त निकाला। थैंक यू नौशीन साहब, वी आर सो हम्बल, वी आर सो ग्रेटफुल। थैंक यू। इससे पहले कि हम इजाजत दें, एक बात और आरिफ भाई से हम दरखास्त करें कि जाते जाते अपना खूबसूरत कलाम जो है वो जरूर हमें सुनाइए और हमारी रूह को ताजा कीजिए। एक बात जरूर कहूंगा, जिनके बड़े हैं खिदमत कीजिए उनकी, बहुत बड़ा असासा आपके पास मौजूद है, पूछिए उनसे जिनके बड़े नहीं रहते। जी सरकार की अगली एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ओवर टू आरिफ भाई। थैंक यू जी।